सबका हित सर्वोपरि। नमस्ते, जय गोरखा। मैं पेम्बा तमांग इंटरनेशनल पिस्टल शूटर, संपूर्ण भारत के गोरखा परिवार को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय गोरखा। हम समाज लाए सब दादू भाई दीदी बहनी नानी होली दीदी होली सब लाए नौ वर्ष को अपनी धेरे धेरे शुभकामना चढ़ाने मांगा छू। हैप्पी 2020। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के घंगोड़ा में 11 गोरखा राइफल्स के पूर्व सैनिक अफसरों ने अपने पूर्व साथियों की शहादत को याद करते हुए अपना स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। साल 1974 में स्थापित गोरखा वॉर मेमोरियल पर मुख्य अतिथि रिटायर्ड ब्रिगेडियर सीबी थापा समेत अन्य विशिष्ट गणों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पलटन के कई लोग सपरिवार मौजूद रहे। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंटों को नई भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के बीच विभाजित किया गया था। 1 जनवरी 1948 को पालमपुर के सांताक्रूज मुंबई में रेजिमेंटल केंद्रों के साथ आधिकारिक तौर पर फिर से खड़ा किया गया था। रेजिमेंटल सेंटर के बाद दार्जिलिंग के जलपहाड़ में स्थानांतरित कर दिया गया और फिर कुछ समय के लिए क्लेमेंटाउन देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया। आखिरकार लखनऊ में इसे मजबूती के साथ फिर से अब तक स्थापित किया गया है। रेजिमेंट ने सभी प्रमुख सैन्य अभियानों में भाग लिया है, जिसमें भारत ने आजादी के बाद से 1947 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1948 में ऑपरेशन पोलो, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और 1999 का कारगिल युद्ध शामिल है। इसके अलावा रेजिमेंट की कई इकाइयों ने संयुक्त राष्ट्र मिशन पर विदेशों में भी तैनाती की है। First January 2020, 9 वर्ष सिताउंस 11 जीआर यानी कि 11 गोरखा राइफल्स को रेजिंग डे। आज 11 गोरखा राइफल को 73rd रेजिंग डे हो। हमी आज भूतपूर्व सैनिक 11 गोरखा क्रांति को यहाँ घंगोड़ामा जहाँ हाम्रो एउटा वॉर मेमोरियल छ त्यहाँ भेला भएको छ। यो वॉर मेमोरियल जसको नाम हो इन मेमोरी 1974 फर्स्ट जनवरीमा स्थापित गरिएको थियो। त्यतिखेर हाम्रो रेजिमेन्टल सेन्टर यहाँ देहरादून घंगोड़ामा थियो। पछि सेन्टरहरूको यहाँदेखि मुभ भई हामी दार्जिलिङ गए, दार्जिलिङ पछि लखनऊ आयौँ। तर इन मेमोरी जो हाम्रो वॉर मेमोरियल हो त्यो यही घंगोडामै नै थियो। पोहोरको साल यानि कि लास्ट इयरदेखि हामीले एउटा हाम्रो क्रम नै बनाएको छौँ, जसमा हामीहरू पहिला जनवरी 9 वर्षमा यहाँ आएर हाम्रो शहीद भएका साथीभाइहरूको यादमा फुलमाला चढाएर पुष्पाञ्जलि अर्पित गरी उहाँलाई सम्मान दिने एउटा रीति हामीले सुरु गरेको छ। आज हामी त्यही कार्यक्रममा यहाँ सबै भेला भएको छौँ। 50 जना जतिभन्दा अलि धेरै छन् र यहाँ जो सेकेन्ड 5 गोर्खा राइफल छ उहाँको साथीभाइ, उहाँको कमान्डिङ अफिसर सुदा मेजर साहब, उनीहरूले यो वॉर मेमोरियललाई अहिले जस्तो
तपाईहरुले देख्नु भइरहेको छ त्यो चीज बनाएर पूरा यो कार्यक्रम उहाँले सञ्चालन गरिदिनु भएको छ हामी उहाँको पनि धेरै धेरै आभारी छौँ अनि उहाँलाई धन्यवाद पनि टक्राउँदै छौँ म सुब्दार मेजर हन्ड्रेड क्याप्टन अशोक लिम्बू तीन गोर्खा राइफलदेखि रिटायर भएको हो आज फर्स्ट जनवरीमा हाम्रो 11 गोर्खाको जन्मोत्सव छ र यहाँ देहरादुनमा 11 गोर्खा क्रान्ति सङ्गठनले हर फर्स्ट जनवरीमा यो शहीद स्थलमा आएर हामीहरूले यहाँ रिच चढाउँछौँ आज यहाँ हामीले सबैले फर्स्ट 11देखि सेकेन्ड थर्ड 5, 6, 7 सबै जति पनि रिटायर भएको हाम्रो साथीहरू छ अफसरहरू सहवान जेसियोस जवान अनि दिदीबहिनीहरू सबैले यहाँ आएर हाम्रो जो पनि शहीद भएको साथीहरू छ उहाँलाई हामीले याद गर्छौँ आज सबभन्दा पहिला यहाँ तपाईँको पुष्पमाला आयो भेला हुयौँ र पुष्पमालाहरू र गीतहरू चढायौँ सेन्टर कमान्डेन्ट कर्नल रेजिमेन्टदेखिको तर्फबाट पनि यहाँ रित आएको थियो अनि अर्को कमान्डिङ अफिसर तर्फबाट आएको थियो यो देहरादुनको 11 गोर्खाको क्रान्ति सङ्गठनले हर वर्ष फर्स्ट जनवरीमा यहाँ भेला भएर हामीले आफ्नो 11 गोर्खाको जन्मोत्सवको साथसाथमा हामीले यो शहीद स्थलमा हामीले हाम्रो शहीदहरूलाई याद गर्छौँ अनि यहाँ सबै मिलेर आफ्नो मिलन समारोह जस्तो पनि एक किसिमले हुन्छ सर एकबार समस्त 11 जिआरको जुन पनि पूर्व सैनिक र वर्तमान सैनिक भनेर नववर्षको शुभकामना पनि भनिदिनुहोस् न एकैछिन म स्टार्ट भनौँ ल साथै आज जति पनि हाम्रो 11 गोर्खाको अफसर साहब जेसी सहवान अनि जवान सबै दिदीबहिनी उसको परिवार सबैलाई आज नौ वर्षको शुभकामना पनि छ नमस्कार विश्वमा छरिएर बस्नुभएका मेरा प्यारा गोर्खा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई संगीत प्रेमी तपाईहरुको म प्यारो किङ सम्पूर्ण भारत मिजोरामको तर्फबाट नयाँ वर्ष 2020को हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामना मैं एंड्रू गुरुंग गोर्खा शहीद सेवा समिति की तरफ से तमाम भारतवासी को शुभकामना देना चाहता हूं और तमाम हमारे जवान जिन्होंने देश के लिए कुर्बान हुए हैं और उन शहीद परिवार को भी हम बधाई देना चाहते हैं उन परिवार को भी और इस देश को सबको शुभकामना नए साल की नमस्कार मैं अभय अधिकारी महासचिव गोर्खा शहीद सेवा समिति की हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं भारत वैसे को बहुत सारी शुभकामनाएं धन्यवाद जय गोरख 29 अक्टूबर 1916 में स्थापित हिमाचल एवं पंजाब गोरखा एसोसिएशन भागसु धर्मशाला हिमाचल प्रदेश को अध्यक्ष रविंदर सिंह राणा एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य एवं 20 गांव को मुखियाहरू को तरफबाट भारत को अन्य प्रमुख स्थान नेपाल व विश्वभरी में बसोबास करने समस्त गोरखा समाज को खुशहाली उन्नति व मंगलमय को लागी नव वर्ष 2020 को हार्दिक शुभकामना गर्दै छु जय भारत जय हिमाचल जय गोरख नमस्कार म श्री गोमे थापा भारत असम राज्यको गुवाहाटीको निवासी हुँ आउँदो नववर्षको विश्व र भारतमा बसोबास गर्ने सबै गोर्खा जाति जनजाति र इष्टमित्र दिदीबहिनीहरूलाई मेरो तर्फबाट नववर्षको हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदैछु र आउँदो नववर्षमा विश्वको सबै गोर्खा जातिको नाम उन्नति होस्
अरु सबै गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु खुशी हाँसी बसोबास गरुन् यही म कामना गर्दछु। धन्यवाद। सबैको ओठमा हाँसो छरियोस्, सबैको मनमा हर्ष, नयाँ जोश र उमङ्ग बोकी आयो नववर्ष। पुरा हुन् सबैका आकाङ्क्षाहरू, पुरा हुन् मनोकामना, नववर्षको शुभकामना। संसारभरिमा छरिएर रहनुभएको हाम्रो गोर्खाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा म प्रभाषा मिडिया प्रभारी गोर्खाली सुधार सभाको तर्फबाट नववर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। नए वर्ष के अवसर पर मेरे सभी क्षेत्रवासी एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कामना करता हूं कि यह नया वर्ष हमारे परिवार, देश और पूरे विश्व में खुशियां, शांति और समृद्धि लाए तथा हमें देश के विकास और प्रगति के प्रयासों में एकजुट होने के लिए हमें प्रेरित करें।